हाय गाइज़, वेलकम बैक टू द MS एडिटिंग यूट्यूब चैनल। सो आज का हमारे यहाँ पे फोटो एडिटिंग ट्यूटोरियल पिक्सआर्ट फोटो एडिटिंग पर होने वाला। स्क्रीन पर जो फोटो आपको नजर आ रही है, सो इसी टाइप की फोटो एडिटिंग आज हम पिक्सआर्ट ऐप की मदद से यहाँ पे करने वाले हैं। अगर गाइज आप भी इस टाइप की फोटो एडिटिंग को यहाँ पे सीखना चाहते हो तो वीडियो को आपको कम्प्लीटली लास्ट तक देखना होगा। और इस फोटो एडिटिंग में जो भी हमने बैकग्राउंड यहाँ पे यूज़ किया है उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और फोटो एडिटिंग से रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो गाइज चलते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। सो हाय गाइज, आपको यहाँ पर अपने पिक्सआर्ट ऐप को ओपन करना है। देन आपको यहाँ से इस बैकग्राउंड को अपने पिक्सआर्ट ऐप के अंदर यहाँ पर ऐड कर देना है। सो गाइज आज हम यहाँ पे जो फोटो एडिटिंग करने वाले हैं वो यहाँ पर सीबी फोटो एडिटिंग करने वाले हैं अपने पिक्सआर्ट ऐप की मदद से। सो सिंपली आपको अपने इस बैकग्राउंड को पिक्सआर्ट में ऐड करना है। सो इस बैकग्राउंड का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। बैकग्राउंड ऐड करने के बाद में गाइज सिंपली आपको यहाँ से सबसे पहले ऐड फोटो पर क्लिक करना है और आपको अपनी उस फोटो को यहाँ पर ऐड कर लेना है जिस फोटो को आप यहाँ पे एडिट करना चाहते हो सीबी एडिटिंग में। सो सिंपली आपको ऐड फोटो पर क्लिक करना है यहाँ से। देन अपनी फोटो को यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है जिस फोटो को आप यहाँ पे एडिट करना चाहते हो। सो फोटो हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। सो गाइस फोटो हमारे सामने कुछ स्टेप से होने वाली है। सो सिंपली अब इस फोटो का हम यहाँ पे बैकग्राउंड रिमूव करेंगे। सो गाइस सिंपली बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए आपको यहाँ पे नीचे की तरफ कटआउट वाला ऑप्शन नजर आ रहा होगा यहाँ से। सो सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपको कुछ नहीं, फोटो को जूम करके अपनी फोटो के अराउंड कुछ स्टेप्स आपको आउटलाइन क्रिएट कर लेनी है, जिससे क्या है कि आपकी जो फोटो है उसके सब्जेक्ट को ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेलेक्ट कर लेगा। देन यहाँ से बैकग्राउंड आपके यहाँ पे कुछ ही सेकेंड्स के अंदर ये रिमूव कर देगा। तो कुछ स्टेप्स से आपको आउटलाइन यहाँ पे क्रिएट कर लेनी है। आउटलाइन क्रिएट करने के बाद में गाइस आपको यहाँ से इसको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद में गाइस देख सकते हो कि आपके ये रेड कलर की शेडो है जो आपके यहाँ पे फोटो के सब्जेक्ट है उसको ये सेलेक्ट कर लिए। देन आपको यहाँ पे आई वाले बटन या प्रीव्यू वाले बटन पे आपको क्लिक करना है यहाँ पे। देन यहाँ पे आप प्रीव्यू देख सकते हो कि आपका फोटो का बैकग्राउंड यहाँ पे किस टाइप से यहाँ पे रिमूव हुआ है। तो सिंपली आपको यहाँ पे इरेजर पे क्लिक करना है। देन हार्डनेस आपको फुल रखनी है, साइज कम करनी है आपको। देन आपको जो ये वाइट कलर की आउटलाइन आपको यहाँ पे नज़र आ रही है सिंपली आपको यहाँ से इसको रिमूव कर देना है, जिससे क्या है कि आपकी फोटो यहाँ पे अच्छे तरीके से एडिट हो पाए और आपका बैकग्राउंड भी यहाँ पे परफेक्टली रिमूव हो जाए। तो कुछ स्टेप से आपको यहाँ पे रिमूव कर देना है। सो गाइस मैं इसको यहाँ पे रिमूव कर लेता हूँ, आपको भी इस स्टेप से यहाँ पे रिमूव करना है। सो गाइस यहाँ से देख सकते हो हमने बिल्कुल यहाँ पे कम्प्लीटली आउटलाइन यहाँ पे रिमूव कर ली है। तो आपको यहाँ पे इसको सेव करना है। सो गाइस सेव करने के बाद में सिंपली आपको यहाँ पर इसको बैकग्राउंड पे आप जहाँ पे इसे सेट करना चाहते हो जिस एंगल में वहाँ पे आप इसे सेट कर लीजिएगा। तो इतना हम फोटो पे यहाँ पे थोड़ा सा इसे यहाँ पे रख लेते हैं यहाँ पे। देन आपको नीचे की तरफ आना है यहाँ से और यहाँ से आपको इफेक्ट्स पे क्लिक करना है, जहाँ से हम अपने क्लोथ्स का कलर यहाँ पे चेंज करेंगे। सो आपको कलर्स पे आना है यहाँ पे। देन कलराइज आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सो कलर्स आप यहाँ पे अपने अनुसार सेलेक्ट कर सकते हो जो कलर है आपको यहाँ पे बेटर लगे। सो हम यहाँ पे कलर सेलेक्ट कर लेते हैं अपने, कुछ स्टेप से कलर सेलेक्ट करते हैं। देन इरेजर पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इरेजर पर क्लिक करने के बाद कैसे आपको इरेजर पर यहाँ पे आना है, हार्डनेस थोड़ी सी बढ़ा देनी है, साइज कम करनी है और आपको एक्स्ट्रा चीज़ें हो क्लोथ्स के बाहर जो इनको आपको यहाँ से रिमूव करना है। सो गाइस आपको यहाँ पे अपने क्लोथ्स पे कलर करना है और यहाँ से इसको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ से इसको राइट डन करना है। एक बार राइट डन करने के बाद देख सकते हो गाइस आपके यहाँ पे कलर्स यहाँ पे चेंज हो चुके। तो सिंपली आपको वापस इफेक्ट्स पे क्लिक करना है यहाँ से। देन आपको कलर्स पे आना है, जहाँ पे आपको एक ऑप्शन नजर आएगा सेचुरेशन का, तो इस वाले पार्ट पे आके इसकी सेचुरेशन आपको बढ़ा देनी है और इरेजर पे वापस आपको क्लिक करना है और आपको ये एक्स्ट्रा जो चीज़ है बॉडी वाले पार्ट पे जो सेचुरेशन वाला इफेक्ट आया है इसको आपको यहाँ से इसको रिमूव कर देना है कुछ इस टाइप से। रिमूव करने के बाद में गाइस आपको वापस यहाँ से इसको राइट क्लिक कर देना। सो गाइस देख सकते हो काफ़ी अच्छे तरीके से आपके यहाँ फोटो भी एडजस्ट हो चुके हैं। सो आपको यहाँ से इसको राइट क्लिक करना है और बैकग्राउंड पे आपकी फोटो को यहाँ पे सेव कर लेना है। सो गाइस अब आपको टूल्स वाले ऑप्शन पे जाना है, एडजस्ट पे जाना है यहाँ से। देन आपको इसमें थोड़ा सा ब्राइटनेस आपको कम करना है, कॉन्ट्रास्ट आपको थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा कॉन्ट्रास्ट भी कम करना है, क्लैरिटी को थोड़ा सा आपको इंक्रीज कर देना है और सेचुरेशन वाले पार्ट को थोड़ा सा आपको बढ़ाना है यहाँ पे हल्का सा, हाईलाइट आपको थोड़ी सी यहाँ पे कम रखनी है। देन शेडो आपको थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा देना है कुछ स्टेप से। देन यहाँ से इसको राइट क्लिक कर देना है।
सो गाइस देख सकते हो काफ़ी अच्छे तरीके से आपके यहाँ फोटो एडिट हो चुकी है। तो सिंपली आपकी कुछ स्टेप्स के अंदर यहाँ फोटो एडिट हो चुकी है। तो आपको ड्रॉ टूल्स के अंदर फोटो को यहाँ पे ओपन करना है और उसको थ्री डॉट पर क्लिक करके सेव करना है। सो गाइस आपके सिंपली देखो अपनी फोटो में यहाँ पे केवल बैकग्राउंड रिमूव किया है और यहाँ से आपको बैकग्राउंड पे अपनी फोटो को यहाँ पे सेट किया है, देन कपड़ों का कलर यहाँ पे चेंज किया है। सो गाइज देख सकते हो काफ़ी अच्छी तरीके से आपके यहाँ पे फोटो एडिट हो चुकी है। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो यहाँ पे पसंद आया होगा। तो वीडियो को यहाँ पे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।